बेटा कुणाल अभी तक उठा नहीं। ये वीरान गलियां आपको नजर नहीं आ रही हैं? अभी तक उठा नहीं है वो। जिसका डर था वही हुआ। पास के मंदिर में जाने के लिए चार गली घूमकर जाना पड़ेगा। चार गली घूमकर क्यों जाना पड़ेगा, चलो यहीं से चलते हैं ना। कुणाल उठ गया क्या? नहीं उठा, क्या काम है? कुणाल के यहाँ रहने वाले एक शख्स को मुझे 5,000 रुपए देना बाकी है, आज देने का वादा किया था। यहाँ कुणाल अभी तक उठा नहीं, अभी उसके घर जाऊंगा तो मायूस होकर खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। ठीक है, कल ही आकर लेता हूँ। ठीक है। ये कुणाल कौन है? उसके नाम से सब लोग डर क्यों रहे हैं? इस इलाके का नेता है या कोई भाई है? असल में वो गुंडा नहीं है, गुंडे जैसा लगता है, नेता नहीं है, नेता जैसा काम करता है। वो एक अलग किस्म की शख्सियत है। अगर वो उठ जाएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन लोग डर क्यों रहे हैं? सुनो, अगर वो उठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम उसको जानते इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। प्यार के लिए मदर टेरेसा, दिमाग के लिए अब्दुल कलाम, खूबसूरती के लिए ऐश्वर्या रॉय, स्टाइल के लिए रजनीकांत, स्टेप्स के लिए मदन, आंखों की चमक जैसी लाइटिंग, कान को हिलाने वाला साउंड, 2400 घंटे नॉन स्टॉप सर्विस, गली गली में कोने कोने में आप जब चाहे तब, जहाँ बुलाएंगे वहाँ, किसी जगह किसी मरकज। अरे सुनो, प्यार से समझाओ, लड़ाई मत करो, बीच में मत बोलिए।
शादी के लिए, सगाई के लिए, जन्मदिन के लिए, मातम के लिए, जलसे के लिए, त्योहार के लिए, सबके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सर्विस देने वाली एक अकेली सर्विस कुणाल सांड। डर लग रहा है। अब डरना हमें नहीं, शर्मा को चाहिए। सुबह सुबह वो कुणाल से रूबरू होगा, मालूम नहीं क्या होगा। ओ शर्मा, अंदर से झांक झांक कर क्या देख रहे हो, बाहर आओ। अरे कुणाल, हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती हो गई? सुबह सुबह हमारे कुणाल को ख्वाब में तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी पड़ी। नया नया एम्पलीफायर फटाक करके एकदम से जल गया। ये चाहते हो तो 5,000 जल्दी से निकालो। 5,000 देना होगा क्या? तेरा वालिद भी देगा। गलती हो गई कुणाल, एक दफा माफ कर दो। कुणाल के पास माफी नहीं, वो सिर्फ सजा देता है। हमारे पास पैसा नहीं है। तो तेरी बीवी को ले जाऊंगा। नहीं, क्या 5,000 की खातिर तुम हमारी बीवी का अगवा करोगे? 5,000 के बदले ये कंगन ले जा रहा हूँ, रसीद बाद में भिजवा दूंगा। लूट के माल का भी रसीद दोगे क्या? लूट मार नहीं है, मारवाड़ी तरीका है, पैसे अदा कर कंगन ले जाना। अच्छा, जगने तक यहीं खड़े रहोगे? दूसरा रास्ता नहीं है क्या? फिलहाल एक ही रास्ता है। जब दूसरा रास्ता है तो डर कैसा? जगते ही गधी को देखेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों, यही तस्दीक करने के लिए उसे ले आओ, फिर शान से घूमेंगे। अच्छा सुनो, कुणाल को नींद से जगाने के लिए गधी खरीदा है, फिर गधी को जगाने के लिए क्या करना होगा? कोई फायदा नहीं है। ए, इतने छोटे पत्थर से काम नहीं चलेगा, बड़ा पत्थर लेके आओ, बड़ा पत्थर लेके आओ। अरे ये क्या, इस पत्थर से मारोगे तो गधी मर जाएगी, फिर हम शहीद हो जाएंगे। नहीं मारो क्या? नहीं। ओके। क्या मुसीबत है ये? अरे थक गया। ए, चीखना बंद कर बे, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। नमस्ते कुणाल भाई। क्या चाचा, इतना लेट? सुबह सुबह गुप्ता के घर में लाइटिंग का सेटअप है, मालूम है ना? बाद से काम नहीं चलेगा, एक छोटी सी गधी को भी नहीं संभाल सकते आप, और चले आए हाथ हिलाते हुए। हाथ हिलाता आया हूँ, हर रोज शेर की मानिंद शाम से चलने वाला, आज लंगड़े की मानिंद तुम्हारे रूबरू खड़ा है, और तुमने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ? और क्या हुआ होगा, रात में शराब के नशे में किसी के घर में दाखिल हो गए होंगे, उसने झाड़ू से खातिरदारी की होगी। तुम पीकर क्या क्या कारनामे करते हो मुझे सबका इल्म रहता है। ये सब इसकी वजह से हुआ है। और कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह आपस में झगड़ते रहते हो। ये लो 100 रुपए। किस लिए? नाश्ता के लिए। और मेरे लिए? तुम्हारा नहीं, गधे का। गधे के लिए 1 किलो हरी हरी घास और ब्रेड लेकर आओ। एक समोसा और पाव मेरे लिए भी मंगवा लो ना, उस गधे के लिए इतना कुछ मंगवा रहे हैं। ठीक है ठीक है, ज्यादा दिल पर मत लो, बचे पैसों से तुम ही नाश्ता कर लेना, मैं घर पे जा रहा हूँ, समझे? इसके क्या किए जाए? ये क्या मामा जी, कल से हम लोग पत्ता, घास, फूस, चारा खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? मंडप तक की लाइटिंग पूरी हो गई है, तुम एक मर्तबा चेक करके कनेक्शन जोड़ दो, फिर अपना काम खत्म हो गया, समझो है? अरे कनेक्शन कैसा, बगैर एक पैसा पेश के लिए पूरा डेकोरेशन किया है, डबल कलेक्शन। हेलो माइक चेक, 1 2 3। जरा गौर फरमाएं, दुल्हन के वालिद जनाब दीन दयाल जी जहाँ कहीं भी हो, जिस हालत में भी हो, इस माइक सेट के पास आकर जनाब कुणाल जी से मुलाकात कीजिए। ये इतनी इज्जत से बुलाओगे तो आएगा क्या? मुझे दो। ओ दयाल, अबे कहाँ है बे? मैं 3 तक गिनूंगा, उससे कबल मेरे रूबरू हाजिर हो जा, नहीं तो वो मुझसे बखूबी वाकिफ है। क्या कुणाल, माइक पर चीख कर मेरी इज्जत क्यों उतार रहे हो? बड़ी इज्जत की बात कर रहा है, मंडप में कदम रखते ही पैसे देने का वादा किया था ना। शादी में नजराने के पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से लाइटिंग के पैसे अदा कर दूंगा। क्या कहा, नजराने के पैसे? कुणाल मालूम है, मैंने ऐसे ही अपनी चारों लड़कियों की शादी पूरी कामिल मंसूबाबंदी के साथ की है, बगैर किसी तकलीफ से आए नजराने से बकाया अदा किया। अब मेरी छोटी बेटी की शादी भी कामिल मंसूबाबंदी के साथ हो रही है। हर मरतबा बेटी की शादी के लिए ऐसे मंसूबे नहीं बनाने पड़ते, एक बेटी के पैदा होते खानदानी मंसूबाबंदी कर दी होती, समझे? अरे ये क्या मेरी कुव्वत में है, ये तो ऊपर वाले की कुव्वत में है। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, वो सब हासिल करते जाओ इंसान। अब जो होना था वो तो हो गया, अब अफसोस करके क्या फायदा। कुणाल जल्दी से लाइटिंग शुरू कर दो, मैं कामिल मंसूबाबंदी में हूँ। आ रहा हूँ भाग्यवान। चलो कनेक्शन चालू करके चेक करो। दूल्हे और दुल्हन को नजराना पेश करने वाले आगे आकर नजराना पेश करें। तुम नाम दर्ज करो, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। नजराना देने वाले बराए मेहरबानी आ जाइए। नजराना देने वाले आगे आइए। भोलेनाथ पान वाला 1,001 दे रहे हैं। इसकी प्लानिंग दुरुस्त है। भोलेनाथ पान वाले के जाने से दुल्हन को 1,000 रुपए नकद नजराना दीजिए जल्दी। जनाब 1 ही रुपया क्यों, आप भूल गए क्या? आपने 1,001 देने का वादा किया, बाकी पैसे दीजिए जल्दी। कमाल कर रहे हैं जनाब, दयाल जी ने हमारे पास से 1,000 रुपए उधार लिया था। तो क्या, मुझे इल्म है वो 1,000 रुपए तो मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए 1 रुपया डालकर हम 1,000 रुपए दे रहे हैं। नमस्ते। खाना खाने के लिए मत रुकना। अभी तो नजराना आने की शुरुआत हुई है मंसूबे के मुताबिक। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बजाओ भाई बजाओ, आता हूँ। सबको कामिल मंसूबाबंदी कह रही है,
यहाँ तो सब उधारी में चल रहा है, अब क्या करें? बोनी तो बेकार हो गई है, अब सामने वाला जो दे ले लेगा। आइए जनाब। भैया वेंकट रमन 2016। भैया वेंकट रमन लड़की वालों की जानिब से 2016 रुपए लेके 2016। पैसा तो देके जाइए, उन्हें पैसे देने की क्या जरूरत, हमारी आपसदारी है। आपसदारी मतलब? दयाल हमारी दावत में शरीक हुआ था, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं उसकी दावत में शरीक हूँ, तो दोनों जानिब से बात बराबर हो गई, तो पैसे बीच में कहाँ से आए बताइए, तो हिसाब बराबर हो गया ना। कैश आ रहा है, कैश ये लीजिए हमारे, लाओ इधर लाओ। कहा था नजराने के पैसे देने के बाद दहेज के पूरे पैसे दे देंगे, अब मंडप वाले बाजे वाले की पैसे देने की सोचकर दहेज के पैसे नहीं देने का इरादा है क्या? समधी जी ऐसी बात ना कीजिए, कुछ भी करके मैं आपको एक हफ्ते के अंदर पैसे दे दूंगा। अपना सर बेचने जाओगे तो कोई 10 रुपए भी नहीं देगा, जज्बाती मुकालमा बोलकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सुनो, दहेज के पूरे पैसे दोगे तभी तुम्हारी बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी, पूरे पैसे देने तक इसको अपने घर में रखो। मत कीजिए भाई साहब, लड़के की मासूम सूरत तो देखिए, मेरे बेटे ने इससे शादी किया और पैसे कम हो गए, अब अगर हम इसे अपने घर में लेकर जाएंगे तो सड़क पर भीख मांगने की नौबत ना आ जाए। लड़की के बारे में कुछ कहा तो काट डालूंगा, इसकी सजा तुम लड़की को क्यों दे रहे हो? आपकी तारीफ है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें पैसे से मतलब है ना? तो पैसा तुम दोगे? दे नहीं आया हूँ, ले लो और जाओ, लेकिन मेरा देने का तरीका अलग ही होता है। बोलो चाहिए क्या? हम तुम्हें भिखारी नजर आ रहे हैं क्या? इसमें नजर आने की क्या बात है, भिखारी में और तुम में कोई फर्क है क्या? उसे ना दो फिर भी चला जाता है, लेकिन तुम उससे भी गए गुजरे हो। फिर कभी भीख मत मांगना, नहीं तो हर दूसरे दिन कभी रिंग चाहिए या दीपावली में चैन चाहिए कहकर लड़की को रुलाकर भेजा ना, तो रिंग पहनने के लिए उंगली नहीं बचेगी और चैन पहनने के लिए गर्दन नहीं बचेगी, समझ गए ना? आज मैं बेहद खुश हूँ, तुमने मेरी बेटी का घर बसा दिया, पैसे पैसे कह के पीछे पड़े थे, मुझे लगा तुम लालची इंसान हो। तुम्हारा दिल तो सोने की मानिंद है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे पैसे दे दूंगा कुणाल। अरे कोई बात नहीं, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। तीनों के लिए 3 क्वार्टर मंगा लिया, ठीक है ना? क्या जनाब, आदमी 3-3 हो तो 2 गिलास में कैसे पियोगे? इसे नहीं चाहिए, इन्हें गिलास की जरूरत नहीं है, ये गिलास से नहीं पीता है। ये क्या, बगैर पानी मिला है, बोतल सीधे मुंह से लगाकर पीते हैं? अब मिलाएगा, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम जाके चिकन लेकर आओ। चाचा जी ये कब ले, ये क्वार्टर खत्म कर चुका है, दूसरी संभाल के रखूं? लगता है कोई मंसूबा बना रहा है। चाचा जी छोटी सी उलझन है। क्या? शराब पीने से कबल मदन की 10 उंगलियां थी और पीने के बाद देख रहा हूँ तो 11 हो गई हैं। तुमने पी रखी है कुणाल, तुम नशे में हो, क्या बोल रहे हो, तुम्हें इल्म नहीं है। 11 उंगलियां है, शर्त लगा लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। चाहो तो क्वार्टर की शर्त लगाओ। मामा जी लगता है कुणाल को चढ़ गई है, कैसे हरकत कर रहा है, शर्त लगा लीजिए। ठीक है, दोनों के क्वार्टर की शर्त लगा रहा हूँ, हारोगे तो दोनों को देना होगा। ठीक है, गिनती करो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही तो है। अरे तुम शर्त गए। भाई रुको जरा, मैं गिनती कर रहा हूँ, देखो 10, 9, 8, 7, 6 और जमा 5 कितने हुए? मैं जीत गया। मैं गिनती करता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अरे रुको ना, मैं गिनती कर रहा हूँ, 10, 9, 8, 7, 6 और जमा 5 कितने हुए? 11 वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ कुणाल कौन है? दम है तो सामने आ। अच्छा तो तू है कुणाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक घोसा दूंगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। तू मुझे मारेगा, अंगूठे भर का तो है, मसल कर रख दूंगा, चल मार मार। हमें बीच में दखल नहीं देना है, कुणाल सब संभाल लेगा, समझे? चलो वहाँ कोने में चलकर बैठते हैं। मेरे इलाके में दाखिल होकर फसाद करोगे? हाँ, क्या जिस्म है, कुणाल के हाथ से मार खा के आया है, ये ले मरहम लगा ले। हाय, कितनी मर्तबा कहा तुम लोगों से, कैसे लोग हो तुम? हाँ अगर तुम लोगों में अकल होती तो इस तरह की हरकत तुम लोग करते क्या? रोज अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी तुम लोग बदले नहीं, मुझे तुम लोगों पर जरा भी एतबार नहीं है। देखो कैसे लग रहे हो, जैसे सर्कस में नाचने वाले जोकर।
मेरे मासूम बेटे को शराब खाने में ले जाते हो? ये क्या कह रही है? दूध पीने वाले मेरे बेटे को शराब पिलाते हो? आप चुप हो जाइए। आप अपने बेटे के प्यार में कुछ भी बोलती जा रही हैं। इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। हम तो पानी मिलाकर पीते हैं। आपका बेटा तो सीधा बोतल से ही पीता है। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम लोग मेरे बेटे को शराब में बिना पानी मिलाए पिलाते हो? हाँ माँ, मैंने इन लोगों से पानी मांगा तो इन्होंने शरबत में शराब मिलाकर पिला दिया। आज के बाद ऐसे शराबियों के साथ मत घूमना। माँ इतनी इज्जत के साथ हमें गाली दे रही है और तुम अंजान बनने का नाटक कर रहे हो? शर्मो आया, गैरत वाले इंसान है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो ना। क्यों? मैं जब से कुणाल के पास काम पर लगा हूँ तब से शर्मो हया गैरत सब गड्ढे में डाल दिया है। आपको जाना है तो जाइए। जिसमें जरा भी गैरत होगी वो यहाँ कभी नहीं रुक सकता। चाचा जी, तुम कुछ भी कहो, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। चाचा जी, अच्छी नौकरी छोड़कर जा रहे हो, ख्याल रहे मेरे अलावा तुम्हें और कोई काम पर रखेगा नहीं यहाँ। जैसे बहुत बड़ा काम है, ये कोई हवाई जहाज उड़ाने का काम है क्या? जाओ हट। मामा जी को गुस्सा बहुत आता है। अरे सुनो, जल्दी से हाथ धो लो, खाना तैयार हो गया है। हाथ धोते चलो ना। अरे अभी तो गैरत की बात कर रहे थे। मैं भी तो तेरे जैसा ही हूँ, सब बाहर छोड़कर आता हूँ। बेगैरत इंसान। ए सुन, ये यहाँ क्यों आई है? भाग ले बेटा। ए सुनार, अरे भाग। ए भागो मत, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, नहीं तो मुसीबत में आ जाओगे। मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ ना। मैं चोर को माफ करके छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि चोर तो पैसे और जेवरात चोरी करते हैं, लेकिन तुमने तो मेरा दिल चुराया है। ए सुनो, कितनी मर्तबा कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो? जब तक मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं करोगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमसे कैसी मोहब्बत? तुम लाठी पकड़ने वाली इंस्पेक्टर, मैं माइक पकड़ने वाला लड़का, तो हम दोनों का मिलन कैसे होगा? लाठी तो मेरे पास अब भी है, लेकिन शादी में लाठी नहीं रोशनी की जरूरत होती है, तो खुद ब खुद हमारा मिलन हो जाएगा ना। हम दोनों का मिलन कभी नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। तुमसे 10 दिन बाद मिल रही हूँ। दो ना। दो? अरे बच गया, भाग ले। ए, अपना माइक मेरे पास छोड़कर जा रहे हो? नकली माइक है, अपने पास रख लो, मेरे पास असली माइक है। कभी ना कभी तो मिलोगे ना। बेटी। हाँ? बड़ी प्यारी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया माँ जी। बेटी हाँ? तुम्हें कभी इस मंदिर में देखा नहीं, कौन हो तुम? हाँ, मेरा नाम जानवी है, मैं शहर में नहीं आई हूँ, यहाँ आए बस एक हफ्ता ही हुआ है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ रहती हो तुम? वो श्री राम शास्त्री जी के घर में। मैं पेइंग गेस्ट हूँ। हाँ, काम क्या करती हो? बच्चों को मौसिकी सिखाती हो क्या? नहीं अभी तो नहीं, सिनेमा में कोरस गाती हूँ। कोरस मतलब? वो क्या है ना, जहाँ चित्रा जी जैसी सिंगर्स गाती है ना, उनके पीछे भी कुछ लोग गाते हैं, उसी में गाती हूँ। ओह, सामने वाले को गाया कहा जाता है और पीछे वाले को कोरस कहा जाता है। तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम जरूर सिंगर बनोगी, भगवान के आशीर्वाद से तुम जरूर कामयाब होगी। शुक्रिया माँ जी। अरे रामू, वहाँ छुप क्यों रहे हो, यहाँ आओ। ये बताओ, रात को शराब पीकर अपनी बीवी को मारते हो क्यों? कुणाल को बताऊं क्या? अरे रे, नहीं नहीं माँ जी, कुणाल से कहेंगी तो मेरे पैर ही काट देगा। ये जगह मेरे हाथ से मत छीनिए, उससे मत कहिए। ऐसा दोबारा मत करना। इस इलाके में कुणाल के नाम से लोग बहुत डरते हैं। ये कुणाल है कौन? मेरा बेटा। ऐसे लोगों को वही दुरुस्त करता है। अच्छा माँ जी, मुझे रियाज के लिए जाना है, इजाजत दीजिए। फिर मंदिर में आओगी ना बेटी, तुम्हारा गाना फिर से सुनना चाहती हूँ। अरे क्यों नहीं माँ जी। शिवा भाई, वो देखिए, मिडनाइट मोहिनी। देखने तक तो मिडनाइट है,
देखने के बाद गुड नाइट हो जाएगी। ए, तो कौन है रे भाई? बिल्कुल खानदानी किस्म की है ना। आधी रात के 12 बजे आ रही हो, अच्छे घर के हो या कोई और नाटक है? हा? वक्त अच्छा है ना भाई। सुबह मुझे किसी ने मेरा मुस्तकबिल बताया था, कहा था कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी जल्दी मिल जाएगी, मैंने ये नहीं सोचा था। ले चल इसे देखते हैं। नहीं मुझे जाने दीजिए। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगी? मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। किससे करोगी? कमिश्नर से करोगी क्या? या कलेक्टर से? कुणाल से? कुणाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। अरे बहन जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो बहन। आप जाइए जाइए, तशरीफ ले जाइए जाइए। ला 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 ला, इसे खरीद कर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, चलो चलते हैं। हो गया है, सब लोग कार में ही चलेंगे। नहीं बेटा, हम पैदल जाएंगे तो इससे कब पहुँच जाएंगे, तुम आराम से आओ। अच्छा ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे तुम आज मेरे हाथों से बचोगे नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? किसकी बात कर रही हो? नाटक मत करो माइक, मुझे देकर कनेक्शन उसे दे रहे हो। वो सबसे कह रही है कि तुम्हारी होने वाली बीवी है और सब इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा? इस इलाके के 7 साल के बच्चे से लेकर ज़ईफ तक सबका हमदर्द हूं मैं। ज़ईफा ने कहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 20 साल की लड़की तुम्हें अपना महबूब कह रही है, इसका क्या मतलब? महबूब? ये सुनकर मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, तुम्हें इल्म है? चाहो तो देख लो। छी, बंद करो। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पीछे पड़ी है, उससे मोहब्बत नहीं हुई तो आखिर उससे कैसे मुमकिन है? घुमा फिरा कर बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं पुलिस वाली हूँ, सबूत के बगैर बात नहीं करती। ए, इधर आओ, इसे बताओ जरा। हाँ कुणाल भाई, वो अंधेरे में आ रही थी तो मैंने पूछा कि कौन हो, तो आपका नाम बताया, बताया कि आपकी होने वाली बीवी है, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा भाई। भाई एक बात कहूँ, इस स्ट्रीट लाइट जैसे इंसान को चांद जैसी रोशनी वाली बीवी कहाँ से मिली? बहुत बोल रहे हो तुम, आप क्या कहोगे बोलो? तुम उस लड़की को जानते हो क्या? ये देखो यही घर है। अरे तुझे तो मैं, मुझे लड़की दिखाने लाया था कि घर दिखाने? हाँ शराब पीने से कब्ज दिखाने ला रहा था। तो असली माल लेकर आया है? ऐ लड़की को ए नहीं ए जी बोलते हैं। लड़की से पहली मर्तबा बात कर रहा हूँ ना इसीलिए। क्या नाम बताया था उसका? अभी बताता हूँ क्या नाम है। अरे तुम्हारा? भाई ऐसे नहीं, हम पूछते हैं। बहन जी, अरे बहन जी, कोई है? कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। ओहो तो वो तुम हो, मुझसे पंगा लेने से कबल सोच तो लिया होता कि मैं कौन हूँ। ये बताओ, हाथ में माइक लिए बगैर तुम पूरे गांव में मुनादी क्यों कर रही हो? हेलो, आप हैं कौन? पूछती हो कि कौन है? माइक के बादशाह। देखिए परेशान मत कीजिए, मैं कौन हूँ आपको इल्म नहीं है। तुम्हारे मुतालिक सारी मालूमात हासिल करके आया हूँ चमत्कार की चिंतामणि। ऐसे क्या देख रहे हो, तोड़ दो सब कुछ। देखिए देखिए, ऐसे तोड़ फोड़ मत कीजिए, इज्जत से चले जाइए, नहीं तो जिससे कहना है उससे कह दूंगी मैं। मुझे धमकी दे रही हो क्या? किससे कहोगी? कुणाल से। मैं ही हूँ कुणाल, बगैर पहचान के सबके रूबरू मेरा नाम लेने में शर्म नहीं आती? पैसे के लिए गलत काम करती हो, हर रात ना मालूम किसके साथ रहती हो और नाम बताने में शर्म आ रही है, मेरा नाम क्यों बदनाम कर रही हो? माजरत चाहूंगी, उस वक्त अगर आपका नाम नहीं बताती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। खुद की गुंडों से हिफाजत के लिए मुझे आपका नाम लेना पड़ा था, भगवान का नाम लेने पर भी उन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया, लेकिन आपका नाम लेने पर उन्होंने छोड़ दिया। आपके नाम से बची मेरी खातिर तो आप ही भगवान हैं। सब तोड़ डालूंगा, बगैर इजाजत कुणाल भाई का नाम लोगे क्या? ज्यादा बकवास नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, चलो यहाँ से। ठीक है बहन जी, नमस्ते। देखो कुणाल, माइक स्पीकर बंद रहे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सियासतदानों के ऑर्डर मत लेना। आखिर वो क्यों? अरे कल वो एमएलए की सालगिरह में लाइटिंग करने गया था ना, प्रोग्राम होने के बाद पैसे मांगने गया तो वो कहने लगा कि मुझे पैसे देने की आदत ही नहीं है। मेरा नाम नहीं बताया क्या? अरे हाँ बताया ना, उसने कहा कि कुणाल हो या कोई भी हो, फिर से पैसे मांगा तो दुकान नहीं रहेगी। ऐसा कहा? हाँ। उस एमएलए की कोई दुकान होगी ना? उसकी बीवी के नाम पर कोई सीमेंट एजेंसी है। अब देखना मिल जाएगी उसकी बीवी, दुकान मिल जाएगी। ये तो क्या कह रहा है? जी जनाब, सीमेंट उतारने के बाद कह रहा है कि मुझे पैसे देने की आदत नहीं है। हमारा ये मुकालमा हमें मार रहा है।
तूने बगैर जाने पहचाने सीमेंट कैसे फरोख्त किया? नहीं जनाब, उसने कहा कि वो आपका दोस्त है और कल ही आप दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक तस्वीर भी निकाली है। सियासतदान तो हर रोज 100 अफराद के साथ तस्वीर निकलवाते हैं, तो तू हर किसी को मुफ्त में सीमेंट देगा बेवकूफ? क्या नाम बताया था उसने? कुणाल जनाब। ए, यहां कुणाल कौन है? हाँ, कोई बहुत बड़ा फसादी है क्या? कौन है वो? बाहर निकल। तू कौन है बे? ये आवाज सुनकर समझ में नहीं आया क्या? मैं हूँ कुणाल। क्या बे, तमाशा दिखा रहा है क्या? मैं 10 मिनट में तेरा जनाजा निकाल सकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पंगा ले रहा है? अरे, एक ट्रक सीमेंट मंगवाता है और पैसे मांगने पर देने से इनकार कर रहा है। लाइटिंग के भी तो पैसे मांगे थे, तब तुमने क्या कहा? पैसे देने की आदत है? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जानता हूँ तुम किसी को मुझे मारने के लिए भेजोगे क्योंकि ताकत है। तुम्हारे मुलाजिम आकर मुझे मार सके ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझमें दोगुनी ताकत है। तू क्या खुद को भाई समझ रहा है? हाँ, अगर कमर पर लुंगी बांध दी तो तुझसे बड़ा भाई लगूंगा। MLA के ओहदे पर बैठा हूँ, सियासत से जुड़ा हूँ, इसीलिए खामोश बैठा हूँ। नहीं तो तुझे कब का दुनिया से रुखसत कर देता। ओए, सीमेंट के बोरियों को गाड़ी में डालो। चलो चलो उठाओ। हमें टॉयलेट बनाने के लिए सीमेंट देने वाले MLA। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें मुफ्त में सीमेंट देने वाले MLA। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें गिराने की आदत है, बनाने की आदत नहीं है। रेत और ईंट देने वाले MLA। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेत और ईंट देने वाले MLA। अरे जनाब, सीमेंट तो गया, लगता है ईंट और रेत भी जाएगी। फालतू में खुद के मामले को आवामी मामला बना दिया इसने। अब जरा भी हंगामा करेंगे तो इस इलाके से मिलने वाला वोट भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए शक्ल पर खुशी जाहिर कीजिए, लोगों से हाथ मिलाइए और गाड़ी में चलकर बैठ जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसा मत समझना कि मैं हार गया। मेरी फजीहत करके तुम यहाँ मशहूर हो रहे हो। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। MLA साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे क्या देख रहे हो? उस सीमेंट में मेरा भी हिस्सा है। 5,000 अफराद है, दफा हो जाओ। बड़े संजीदा नजर आ रहे हो। ये मामूली केस नहीं है, MLA के मुलाजिमों को मारा है। मामला काफी संजीदा है, पक्की तफ्तीश करने को कहा है, आला अफसर को भेजा है। कौन है वो अफसर? अगर इतने अक्लमंद हो तो ऐसे काम क्यों करते हो? उन लोगों ने मुझे मारा, इसलिए मैंने भी मारा। बकवास बंद करो, तुम किसी को मारो, मुझे क्या? कुणाल, मैंने एक बोसा मांगा था तो आंख बंद करवा के वहां से फरार हो गए थे ना? अब कहां जाओगे? आज तो तुम मुझसे बच नहीं सकते, बोसा तीनों होगा। उस रोज कुणाल का नाम लेकर बच गई थी, आज नहीं बचेगी। मुझे इल्म हो गया है कि तुम्हारे कुणाल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। खामोशी से गाड़ी में बैठ जाओ। ए लड़की, क्या सोच रही हो? आज किसका नाम बताना चाहती हो? देखो, आज किसी का भी नाम बताओगी, भाई को फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बैठो, वक्त जाया मत करो, चलो भाई। सामने देखो,
अरे वो देखो कुणाल इसी जानी आ रहा है। उस रोज पुलिस के रूबरू कहा था कि इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर इसके पीछे पीछे क्यों आ रहा है वो? ए, क्या कर रहे हो इसके साथ? कुछ नहीं भाई, बहन जी तनहा जा रही थी, इस रास्ते में गुंडे रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हें ड्रॉप कर दूं। इतने में आप आ गए भाई। नमस्ते भाई। चलो भाई चलो 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 चलो। घर जा रही हो? आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा इस गाड़ी को देख रही हो? शादी से मैं सीधा यहीं पर आ रहा हूँ, वक्त बर्बाद मत करो, चलो। ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आते जाते जरा ख्याल रखा करो। ठीक है। क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप भी यहाँ से काफी फासले पर है, आपके घर में अगर कुछ। ओ, पेट्रोल तो नहीं है। अरे केरोसिन भी चलेगा, मेरी ऐश्वर्या एडजस्ट कर लेती है। ऐश्वर्या? मेरी गाड़ी का नाम है। अच्छा अच्छा, अंदर आइए ना। ठीक है, बैठिए। अरे नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। कॉफी लेंगे या चाय? पहले केरोसिन तेल दे दीजिए। मैं वो नहीं पूछ रही थी, आप पहली मर्तबा घर आए हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या लेंगे? कुछ भी चलेगा, बैठिए। ऐसे क्या देख रहे हैं, पीजिए ना। पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट दर्ज की क्या? सुबह ही कराया था भाई। आपने हर तरफ ढूंढ लिया क्या? जान पहचान के सभी घर, रेलवे ट्रैक, गलियों के कोने कोने में, तालाब में भी तलाश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं मिली वो। क्या हुआ मामा जी? हर दिन कुणाल को जगाने वाली वो गधी कहीं गायब हो गई। क्या गधी कहीं गायब हो गई? अरे तो सब लोग मिलकर हर जगह तलाशो उसे, नहीं तो हम सबको कुणाल के हाथों मार खाना पड़ेगा। जाओ सब मिलकर तलाशो, औरत मर्द सब मिलकर तलाशो, जाओ 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 तलाशो। चलो 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 भाई, चलो ढूंढ के आओ। चलो मामा जी, मालूम होता है वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी, इसीलिए वो यहाँ से फरार हो गई। वो जानबूझ के? क्या बात कर रहे हो, उसका मूड ऑफ हो गया होगा और यहाँ से चली गई होगी। ठीक है, लेकिन वो तन्हा कैसे रहेगी? अरे जैसे तुम तन्हा रहते हो। अरे वो भी किसी तरह तन्हा रह लेगी जब तक उसे कोई गधा नहीं मिलता। कुणाल जी है क्या? है तो, लेकिन वो सोए हैं। जरा उन्हें उठा देंगे। हम उठाएं? इससे बेहतर है हमें जहर दे दो। इतना डर क्यों रहे हैं? मैं जाकर उठा दूं? क्यों, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, उस रोज फर्नीचर तोड़े थे ना, उसकी मरम्मत करने वाले आए थे। कुणाल को तो तोड़ने का इल्म है, उसे जोड़ना कब सीखा मुझे खबर ही नहीं हुई। ठीक है, मैं ही जाकर जगाती हूँ। अरे मत जा, मेरी बात सुनो। जाने दो, वो कुणाल को जगाने जा रही है, जो होगा उसके साथ होगा। ओके। कुणाल जी, अरे उसे उठाने के लिए गधी की आवाज चाहिए। कुणाल जी कहने से उठेगा क्या? मुझे तो यकीन नहीं है, हमें ही जाके उठाना पड़ेगा। कौन है? शुक्रिया कुणाल जी। वो किस लिए? वो कारपेंटर आया था, फर्नीचर की मरम्मत करके चला गया, इसलिए आपको शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो, क्या हुआ? चाचा हाँ? आज आंख खोलते ही खूबसूरत चेहरा देखा इसलिए। क्या फायदा, एक बुरी खबर है। क्या है? कुणाल बेचारी गधी भाग गई। गधी के भागने का लड़की की शक्ल देखने से क्या वास्ता है? लगता है गधी को भूल चुका है, जान बच गई। मैं भूल गया तो तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। गधी नहीं है तो क्या हुआ, कल से तुम मुझे जगाना, चारपाई उठाकर अंदर रख दो। मुझे गधी का काम दे दिया। ये सेठ यहाँ सुबह सुबह क्यों आया है, कोई इक्विपमेंट गिरवी तो नहीं रख दिए ना? अरे आइए सेठ जी, तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए। फरमाइए, सुबह सुबह यहाँ कैसे?
कुछ नहीं, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उसी का ऑर्डर तुम्हें देने के लिए आया था। ए, सेठ जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। सेठ जी बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, शामियाना सेटअप, फुल लाइट सेटअप, माइक सेटअप सब अव्वल दर्जे का होगा। वो ऑर्डर तो दूसरे को दे दिया, तुम आकर सिर्फ ट्यूबलाइट लगा देना। सिर्फ ट्यूबलाइट का ऑर्डर है, कितने लाइट चाहिए? 1 किलोमीटर रास्ते के दोनों जाने बहुत सारी ट्यूबलाइट लगाने हैं, गली पूरी तरह रोशन होनी चाहिए। ये लो पेशगी के तौर पर 10,000 रुपए, बाकी काम होने के बाद। ए, चाय कैंसिल, मलाई लस्सी लेकर आओ। सुनो, वो सब नहीं चाहिए मुझे, काम अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है, चलता हूँ। अरे बेटा, यकीन ही नहीं हो रहा, हमेशा 150 के अलावा इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे, कहाँ से आए इतने पैसे? आज जगते ही मुझे लक्ष्मी का दर्शन हुआ माँ, तभी एक सेठ गाड़ी में आया और शादी का ऑर्डर देकर गया, उसे ने पेशगी दी है माँ। इस इलाके में देवी जैसी लड़की कौन है? वही माँ, गाना गाने वाली जानवी। ओ, वो लड़की? वाकई वो लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हा? बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर रोज उस लड़की का चेहरा देखूंगा तो कितना अच्छा होगा। रोज रोज उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उससे शादी करनी पड़ेगी। सुनिए कुणाल जी। क्या है? आज भी आप आकर मुझे जगाएंगे, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी माँ कह रही थी कि वो तुम्हारी बीवी थोड़ी है जो रोज आकर जगाएगी, लेकिन अनजाने में हमारे दरमियाँ ये क्या चल रहा है जानवी? हमें हेलमेट पहन के और कितना दिन घूमना होगा? गधे की तरह जागते हैं हम और कुणाल को जगाते हैं। हालत बहुत खराब है यार। जानवी बताओ ना, जानवी तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ, बताओ ना जानवी, तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कब ये कहा था, उसे गधा मिल जाएगा। शादी होने के बाद हम सुहागरात मनाने कहाँ जाएंगे जानवी? शिमला में या कश्मीर में? खेत में जाके बना लेना। सच में? मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो जानवी, तुम्हारी ही आवाज है। गधे जैसी आवाज है, दुनिया का सबसे पहला अजूबा यही होगा। आज तक तुमने बहुत सारे गाने गाए होंगे, लेकिन आज आज तुम सिर्फ मेरी खातिर गाना गाओ। गाओ ना जानवी, गाओ जानवी, गाओ जानवी, गाओ। खूबसूरत लड़की ख्वाब में आएगी तो गधा गधी से ही मोहब्बत कर बैठेगा। जब से उस लड़की ने शुक्रिया कहा है तब से। तो तुम्हारे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत है उसे इजहार कर दो ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इजहार करूं। बेहद आसान, एक काम करते हैं, हम सब शराब पीकर उस लड़की के घर चलते हैं। तुम उसे कसकर अपनी आगोश में ले लेना और 2-3 बोसे ले लेना, बस हो गया तुम्हारा इजहार। ए, मैंने दिल की बात बताने का मशवरा मांगा, तुम इज्जत लुटाने का मशवरा दे रहे हो। अरे कुणाल, जैसे उस लड़की ने तुम्हारे दिल को जीता है, उसके दिल को जीतने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, ये सोचो क्या करना है। हाँ, ये मुनासिब होगा। मोहब्बत होने से कबल लाउड स्पीकर की मानिंद था, लेकिन मोहब्बत होने के बाद टेलीफोन बन गया है। अब अपनी आंखें खोल कर देखो, अच्छा है ना माँ? बहुत ही अच्छी है। ये है क्या भाई? अरे मुर्गी की टांग तो सफेद होती है, ये तो ऐसे पोता हुआ जैसे हमें फुसन की पेंटिंग है। ए, रहने दो, ये रंगोली बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी शक्ल तो इससे भी गंदी है। अरे अपने बेटे की ज्यादा तारीफ ना कीजिए। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत क्यों नहीं होगी, इसने जो बनाया है। मेरे कमर में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसने बनाया। शर्म आ रही है, इतना मत कुरेदो कि दरार पड़ जाए और उसमें से पानी आ जाए। आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं, अच्छी ही तो है, एकदम मॉडर्न आर्ट की मानिंद है। ये तो ऐसा ही है, कुछ भी बोलता रहता है। चलो मैंने कॉफी बनाई है, पीकर चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी। गाने के रिकॉर्डिंग का वक्त। रिकॉर्डिंग में जा रही हो? जी हाँ। बेटी मेरे को छोटा सा काम करोगी? कैसा काम? सबका ख्याल रखने वाले कुणाल को गाने की रिकॉर्डिंग कैसे होती है देखने की बड़ी तमन्ना थी। वैसे इसके इस इलाके में तो बहुत इज्जत है, लेकिन तुम्हारे स्टूडियो का वॉचमैन इसे नहीं जानता, तो उसने कुणाल को गेट पे ही रोक दिया। मैंने कब कहा कि रिकॉर्डिंग देखनी है? लड़की के सामने मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालिए। ये सेटिंग तुम्हारे लिए, शराब अलग अलग रहेगा और सोडा अलग रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, दोनों को मिला दो तो उसका नशा ही कुछ और हो जाता है। अच्छे से सेटिंग कराओ ना। ठीक है, ले जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कपड़े के बारे में कोई। कपड़े के बारे में? कपड़े की जरा भी फिक्र मत करो, अभी बदल कर आता हूँ मैं, हैरान हो जाओगी तुम। पूरा निकाल के आएगा क्या? तुम ले जाने के लिए राजी हो गई तो कितना खुशी खुशी तैयार होने के लिए अंदर चला गया ना मेरा बेटा। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, कल ही दूध पीना छोड़ा है इसने। आ, 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 आ,
कहा था ना, अब बताओ। वाह, मेरे बेटे को कहीं नजर ना लग जाए। कमल के भाई, गली में सांड बहुत ज्यादा है। यहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इतना अंधेरा क्यों है? कपड़े चश्मा तो निकालिए। अरे यार, क्या कर दिया मैंने। इसे नोट कर लो, ठीक है? आदाब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहो, आज देर क्यों हो गई? माजरा जनाब। ठीक है, बैठो। आदाब जनाब। हाँ, आपकी तारीफ। ये यहाँ पर किसके साथ आए हैं? जनाब, ये मेरे साथ आए हैं। तुम्हारे साथ? कुछ मत कहिएगा जनाब, ये हमारे इलाके के भाई हैं। भाई हैं? तो भाई को यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? इन्हें रिकॉर्डिंग देखनी थी ना, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अगर लेकर नहीं आती तो कल मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते थे ये जनाब, देखने दीजिए। ठीक है ठीक है, उन्हें बाहर रहने को कहो और तुम अंदर जाओ, समझ गए? जनाब, लड़की मेरे इलाके की है, कोई झक्कास गाना हो तो गवाइए, गाना सुनते ही धूम मच जाना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे इल्म है, आप वहाँ जाकर खड़े रहिए। राजा, अच्छा मस्त गाना गवाओ, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो। प्लीज जनाब। सारे जनाब, सुर बदल गया। सुर नहीं बदला, मेरा हाथ हिल रहा है, समझे? साइलेंस, रेडी। आपने मुझे बुलाया जनाब? हाँ जानवी, आज चित्रा जी का आना कैंसिल हो गया है, हमें दोपहर की फ्लाइट से कैसेट भिजवाना है, तो सोच रहा हूँ कि ये गाना मैं तुमसे गवा लूँ। सच में तुम बहुत नसीब वाली हो, एक रोज बहुत आगे जाओगी। खुश रहो, खुश रहो। शुक्रिया जनाब, बेस्ट ऑफ लक। जाओ। तुम इनके पैर क्यों छू रही थी? ये गाना मैं गा रही हूँ। तो क्या कैसेट में तुम्हारा गाना होगा? हाँ, तो कल से अपने इलाके में तुम्हारा गाना सुनकर ही दिन की शुरुआत करूंगा। जाओ जाओ। रेडी, टेक, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। कट। अरे यार, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा टेक चल रहा है भाई। चित्रा मैडम आ गई हैं। चित्रा जी आ गई हैं? आपने कट क्यों किया जनाब? चित्रा जी आ गई हैं, तुम हेडफोन रख के कोरस में खड़ी हो जाओ। नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ सब कुछ तैयार है, आप जाइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। 2, 3, 4। क्या सोच रहे हो कुणाल? मैंने एक फैसला कर लिया है। तुम जो भी फैसला करोगे हम उसमें साथ देंगे। उसे कोई और गाने का मौका नहीं देगा, जानवी से गाना। तो चलो हम एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाएंगे? 6 महीने से राशन कार्ड के लिए तस्वीर निकालने की औकात नहीं और फिल्म बनाओगे तुम? फिल्म के गाने को ही गाना कहते हैं क्या? स्टेज पर गाना नहीं गाया जा सकता? मतलब अपने इलाके में ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करके उसके सारे गाने हम जानवी से गवाएंगे। क्या आप मशरूफ हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, मेरी ऐश्वर्या थोड़ा नाराज हो गई थी इसलिए उसे पटा रहा था। आप यहाँ कैसे? मैं मंदिर गई थी। रोज जाती हैं क्या? हाँ, आप मंदिर नहीं जाते क्या? अरे बापरे, ये क्या कह रही हैं? रोज शाम को अगर बालाजी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन ना करूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। इतने साल से यहाँ रहता हूँ, ये बालाजी का मंदिर कहाँ है बे? लगता है बगल वाली वाइन शॉप की बात कर रहे हैं। तिलक तो लगा लीजिए। नहीं नहीं, नहीं लगा सकता, मेरे हाथ गंदे हैं अभी। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ,
लड़की के दिल में जगह बनाने के कबल एक बढ़िया घर बना लो। अब तुम्हारा ऑर्केस्ट्रा अच्छा चलने लगा। चाचा, वो लड़की तो भगवान का प्रसाद देने आई थी, और आप क्या क्या सोच रहे हैं? प्रसाद के लिए किसी ने ना कहा था क्या? हमें भी तो देना चाहिए था ना। आप लोग दूर थे, उसने देखा नहीं होगा। दूर मतलब दुबई में था क्या? सामने रखी मूर्त की तरफ तुम दिख गए। हम लोग फालतू है क्या जो नहीं दिखे? और तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो और उसी की तरफ से बोल रहे हो? हम लोग तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। अरे इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं बे। लाखों में खड़ा हो तो वही नजर आता, अगल बगल कोई नहीं। मोहब्बत है? इशारा भी तो दिया था ना। इशारा? अरे तुम्हारे माथे पे तिलक लगाने वाली को सिंदूर कब लगाओगे? इसका क्या मतलब हुआ? लड़कियां इनडायरेक्टली कुछ ऐसे ही इशारा करती है, हमें भी तो समझना चाहिए। वो देखिए कुणाल आ रहा है। आदाब जनाब। क्या जनाब, देखकर भी अनदेखा करके जा रहे हैं? नहीं नहीं, जरूरी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही है। कुछ खास काम से आए हो क्या? कुछ नहीं जनाब, आपने हमारे इलाके में टॉयलेट बनवाया था ना, उसी की इफ्तिताह के लिए कलेक्टर साहब को दावत देने के लिए जा रहा हूं। पैसा लगा है इनका और ऐश करेंगे कोई और। टॉयलेट बनाया नेताजी ने और रिबन काटेंगे कलेक्टर। क्या है ना जनाब, उनका सिर्फ इतना ही हाथ होगा कि वो आकर रिबन काट कर चले जाएंगे। पर आपकी बात अलग है जनाब, आपको याद रखने के लिए तस्वीर लगाई जाएगी। जनाब भाभी जी की भी तस्वीर दे दीजिए, साथ में लगा देंगे। हमको तो सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे खानदान पे फक्र है। हाँ आप पर सिर्फ हमें फक्र नहीं है जनाब, बल्कि पूरी आवाम को होना चाहिए। क्या मतलब, अब हर जगह पे टॉयलेट बनवाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है जनाब, हमें थोड़ा अकल से काम करना चाहिए। जरा वहाँ देखिए, कलेक्टर के पिटीशन देने के लिए लोग सुबह से बगैर खाए पिए कतार में खड़े हैं। अगर अभी लोगों को बुलाकर बिरयानी खाने के लिए 100-100 रुपए दे दिए जाए तो उनके सारे वोट हमारे। अरे ये क्या, इलेक्शन के वक्त बिरयानी के साथ क्वार्टर दिया जाएगा तो और बेहतर होगा क्या? हाँ, इलेक्शन के वक्त तो अपोजिशन वाले भी देते हैं, आप भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तरकीब मेरी बेहतरी की है या मुझे तबाह करने की? अगर गौर से सोचे तो लगता है कि हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है भाई। मुझे लगता तुम है तुम अपनी जुबान बंद रखो, मैं जब बोल रहा हूँ तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत? जाओ यहाँ से, चल जाओ, दफा हो। चुपचाप पैसे बांटो। ए कुणाल, अपने लोगों को बुलाओ और पैसे दे दो। सब लोग यहाँ आइए, एमएलए साहब पैसे दे रहे हैं, ले लीजिए। आइए 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 लीजिए लीजिए। नमस्ते नमस्ते, ठीक है ठीक है। आज आपने बहुत नेक काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, ठीक है ठीक है। क्या उल्लू बनाया, गलत समझा था मैंने इसे। कुणाल नहायत ही नेक लड़का है, आने वाले चुनाव में ये 300 वोट मुझे ही मिलेंगे। एक भी वोट नहीं मिलने वाला भाई। ये क्या कह रहे हो तुम भाई, इसमें एक भी शख्स आपके इलाके का नहीं है। भाई आप कहिए तो उसे उठा दो क्या? कब्ल का उसके हाथ से खाया मार भूल गए क्या? उसे मारना तुम्हारी कुव्वत में नहीं है, मुंबई से बाली को बुलाना पड़ेगा। मामा जी कैसे आराम से गाना सुन रहे? हमारा दोस्त होकर गधी को मजे करवा रहा है, वो मुफ्त में खाया जा रही है और हम यहाँ बैठ करके मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये गाना किसने बन किया? अरे गाना बंद करो, तुम्हारा पकाऊ गाना सुनके रोशनी चली गई, सुबह से देख रहा हूँ। ये गाना सुना सुना के जान ले लोगे क्या? मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। जब से आपने कहा है कि वो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, तब से मुझे ऐसे ही गाने अच्छे लगने लगे हैं। अरे तुम पुराने गाने सुनकर देवदास बनकर बैठे हो, अगर नए गाने सुनते तो अब तक तुम्हारा काम बन गया होता, समझे? जमाना फास्ट है भाई। लेकिन मैं उसे कहूँ कैसे? बस इतनी सी बात, एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ, सुनो। क्या है? अपनी तरकीब अपने पास ही रखिए, आपका तो दिलीप कुमार हो या शाहरुख खान हो एक ही अंदाज है, अपने कुणाल को सूट करेगा क्या? मैं बताता हूँ। बताओ शारदा। नहीं जानवी, बीच में रोक दिया, अब देखिए। अरे जानवी, जब से तुम्हें देखा है तुम्हें क्या खबर मेरे दिल में क्या क्या होता है? तुम मेरे अंधेरे दिल में ट्यूबलाइट जलाकर रोशनी कर दो। अरे मेरी टॉर्च लाइट, आई लव यू। बकवास है, ट्यूबलाइट जैसी तुम्हारी प्यारी आंखें मुझे बेहद पसंद है जानवी, आई लव यू। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं जानवी, ट्यूबलाइट की तरह तुम्हारे सुर्ख गाल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू मेरी जान। नहीं नहीं नहीं,
माँ कसम अगर तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की तो मेरा दिल साउंड बॉक्स की तरह फट जाएगा। आई लव यू जल्दी। वो लड़की का बम है जो बॉक्स की तरह फट जाएगी। यहाँ लाइट की नहीं मोहब्बत में अंदाजे बयान की जरूरत होती है, समझे? अपना अंदाज अपने पास ही रखो, इसे अपने अंदाज में इजहार करने दो। तुम खुद लड़की से बात करो। ऐसी बात है चाचा, ठीक है। कुणाल अबे चुप। रवि रॉयल सीमा रवि, कुणाल से मोहब्बत करती हो क्या? हमसे भी करो ना, हमको भी देखना है। ऐसे डर कर क्यों देख रही हो मुझे? हम तुम्हें खा जाएंगे क्या? क्यों हम तुमको पसंद नहीं है? तुम्हारी पसंद अलग है क्या? तुमको वो बहुत ज्यादा पसंद है क्या? कुणाल के साथ ही शादी करोगी? दोबारा किसी लड़की को छेड़ाना तो काट के रख दूंगा। और वो लड़की कौन है इल्म है? मेरी होने वाली बीवी। मेरी धड़कने बढ़ती जा रही हैं। पीने के बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा अब क्या करोगे उसे? ए, खामोश हो जा। एक मर्तबा वहां देखो। देखो सुबह उसका चेहरा देखा, इसलिए उसका पैर तोड़ के गले में डाल दिया है। सोचो मैं जाकर अगर उसे समझाऊंगा तो मेरा क्या हश्र होगा। बस एक मर्तबा जरा सोच के देखो। अरे हंस क्यों रहे हो? बताओ। हंस रहे सोचकर हंसी आ रही है। हंसो मत, मैं ठीक हूँ। बात से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम्हारी तरह एक्शन और ओवर एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तुम अपने मुताबिक सोचो। दे दो, दे दो। अरे कोई लंगड़े लूले को दे दो। मामा वाकई बड़ा खौफनाक है। ए, वहाँ देखो, देखो वो उस लड़की के घर जा रहा है। जरा उसके तेवर तो देखो, लगता है अभी उसका बैंड बजाएगा। क्या है, तुम खुद को जन्नत की हूर समझती हो क्या? सीधी तरह इनकार भी तो कर सकती थी ना। मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो प्यार से रोक सकती थी। इस तरह सरेआम क्या किसी को तमाचा मारा जाता है? फिर तुम मुझे प्यार से मंदिर का प्रसाद क्यों खिलाती थी? अब समझ में आया, तुम मेरे मुंह पर कालिख पोतना चाहती थी। स्विच ऑन करके माइक टेस्ट करते वक्त 1 2 3 कह के टेस्ट किया जाता है, और तुम कौन हो, कहां से आई हो, इसका इल्म किए बगैर तुमसे शादी करना चाहता था। ये मेरी गलती थी। ए, मैं तुमसे मुखातिब हूं और तुम मुंह घुमाकर नखरे दिखा रही हो। इधर देखो। ये कितने का है? 300 रुपए का। 100 रुपए में दोगे क्या? आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? वो क्या है ना कि मैंने 200 में मांगा तो मुझे नहीं दिया, और आप 100 में मांग रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई। शायद आपको नहीं दिया होगा, पर मेरी शक्ल देख के मुझे दे भी सकता है। सही बात है, दे ही देगा। फाइनली कितने में दोगे बताओ भैया? कहा ना फिक्स रेट है। हेलो, ये टिकट आपका है क्या? जी हाँ, मेरी ही है, शुक्रिया। वहाँ किताब देखते समय भूल गई। क्या आपके लिए टिकट से ज्यादा किताबें अहम हैं? कल मेरे इम्तिहान में मेरे बहुत काम आएगी इसलिए। ओह, समझ गया। तो वो किताब आपको ले लेनी चाहिए। लेनी तो जरूरी है, लेकिन 300 रुपए से कम नहीं। तो 200 रुपए में आप ले लेंगे ना? हाँ। तो ठीक है, 200 रुपए दीजिए, मैं 2 मिनट में लेकर आता हूँ। आप अंदर बैठिए, गाड़ी छूटने से पहले मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ये लीजिए आपकी किताब। मैंने मांगी तो मुझे नहीं दिया, फिर आपको कैसे दे दिया? यही तो मेरी खासियत है। वो सब बातें छोड़िए, ये किताब आपके इम्तिहान के लिए बेहद जरूरी है ना, तो आप पढ़िए। सुनिए, जोश में आकर देर तक मत पढ़िएगा, नहीं तो सुबह इम्तिहान के लिए नींद नहीं खुलेगी। अरे वो आप सो रही थी इसलिए मैं ये किताब पढ़ने लग गया था। आप इस किताब को इतनी तवज्जो से क्यों पढ़ रहे हैं? मैं भी आपकी तरह आईएएस का इम्तिहान देने वाला हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये बात छुपाने की क्या जरूरत है? अगर आपको बता देता तो आप बुरा मान जाती, इसलिए छुपा लिया। मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में प्यून का काम करते हैं। मैंने कहा कलेक्टर बनूंगा तो सभी लोग हंस पड़े, प्यून का लड़का कलेक्टर कैसे बन सकता है? इसीलिए मैंने सबसे ये बात छुपाई है। आईएएस की पढ़ाई करना सिर्फ पैसे वालों की बस की बात तो रह गई है। अब मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए इतनी महंगी किताबें खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो किताब आपके पास रहेगी तो मैं ये सोचूंगा कि ये किताब मैंने थोड़ी देर पढ़ ली। माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, इसे रख लीजिए आप। कोई बात नहीं, आप पढ़िए ना। ठीक है। जानवी, सुबह हो गई, उठिए। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अरे वो इम्तिहान खत्म होती है, मैं शाम को चला जाऊंगा, और कमरा किराए पर लेने के लिए हमारे पास जेब में एक भी पैसे नहीं है, इसीलिए हम अभी से तैयार हो गए। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हाँ जल्दी आइए, स्टेशन आने वाला है। मैं और सूर्या पढ़ाई कर रहे थे, 11 बजे हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला था। इतनी ही देर में मालूम नहीं कहाँ से कुछ कुन्ने वहाँ आ गए और दंगा फसाद शुरू हो गया। अब क्या किया जाए? बाहर चल के सोचते हैं, चलो।
सिंगल रूम नहीं है, डबल रूम है, चाहिए क्या? कोई बात नहीं, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। ठीक है, दे दीजिए। आप यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, रूम के 300 रुपए हुए। 200 में नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं जी। हाँ ठीक है दे दीजिए। एक सेकेंड। आइए चलिए, नसीब से एक रूम तो मिल गया। कहां से आया है? वाइजैक से। क्यों, वाइजैक में कमरा नहीं मिला जो हैदराबाद आया है? जनाब आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जनाब तो क्या ये तुम्हारी बीवी है? नहीं जनाब, हमारी दोस्त है। दोस्त है? हाँ। दोस्त है कि कोई और है? चल तुझे पुलिस स्टेशन में बताता हूँ। जनाब हमारी बात तो सुनिए जनाब, हमने कुछ नहीं किया। अरे साहब को बताना, चल ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चल, हम एग्जाम देने के लिए आए थे। आपको बताना, बोला अपनी बात सुनिए। कोई दूसरा काम नहीं है तुम लोगों को, बेवकूफ। खास है, लगता है इस धंधे में नहीं आई हो। जनाब हम यहाँ पर इम्तिहान दे रहे हैं। अरे इस धंधे में इम्तिहान भी दे रहे हो क्या? जनाब आप गलत समझ रहे हैं। हाँ मैं गलत समझ रहा हूँ, इम्तिहान देने आए हो और पकड़े गए। कोई नया बहाना नहीं मिला तुम लोगों को? एक सेकेंड जनाब, जनाब हम वाकई इम्तिहान देने के लिए आए थे, सच कह रहे हैं। जनाब 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 एक सेकेंड जनाब, ये देखिए हमारा टिकट, देखिए। इम्तिहान देने आए हो? जी जनाब। वो भी IAS का? जी जनाब। मुझसे भी बड़ा बनना चाहते हो? ऐसे नकली हॉल टिकट कितने चाहिए तुम्हें? मेरा टिकट क्यों फाड़ा तुमने? मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मेरा टिकट क्यों फाड़ा? बोलो, छोड़ूंगा नहीं। क्यों किया ये सब तुमने? बोलो, क्यों फाड़ा टिकट? पुलिस वाले पर मत लगाओ। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हें इम्तिहान सेंटर छोड़ दूंगा। बोला ना, सुबह इम्तिहान सेंटर पर ड्रॉप कर दूंगा। और मेरे दिल की आग बुझा दे। फोटोग्राफर को बुलाओ, इनके साथ इसकी भी तस्वीर निकालो। बड़ी सजी सावित्री बन रही है। जिस्म फरोशी के मामले में पकड़े गए जानवी सूर्या, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने अदालत में साबित कर दिया है। ये यहाँ IAS का इम्तिहान देने आए थे, इसलिए अदालत उन दोनों को बेकसूर मानकर बरी कर रही है।
और उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम को वापस लेती है। अफसर ने खुद के फायदे के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए कसूरवार पुलिस अफसर को मुअत्तल किया जाता है। चली जाओ यहाँ से। जब से तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा है, तब से पूरे मोहल्ले के लोग हम पर थूक रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जानवी, हमारे घर चलो जानवी। देखो बेटी, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। गुजरी बातों को याद करके मायूस ना हो। इस दुनिया में बुराई देखने वालों को अच्छाई नजर नहीं आती। दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसा मत समझना। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसे अपना ही घर समझो। खुश रहो बेटी। आज से इस घर को अपना ही घर समझो बेटी। उस दिन के बाद मैं सूर्या के घर में ही रहने लगी। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन जानवी, ये एप्लीकेशन भर दो। कलेक्टर बनने के लिए कोचिंग सेंटर से एप्लीकेशन लाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये क्या, एक ही एप्लीकेशन क्यों? एक घर में एक ही कलेक्टर बहुत है ना। सूर्या मजाक मत करो, मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ। तुम कैसे भी पूछो, ये हकीकत है जानवी। एप्लीकेशन लाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम दोनों में से कोई एक ही आईएएस बन सकता है। मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि किसी एक की ही पढ़ाई मुमकिन है। पैसे के लिए बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। इस पैसे में हम दोनों की पढ़ाई नहीं हो सकती, इसीलिए सिर्फ तुम्हारी खातिर एप्लीकेशन लाया हूं मैं। लेकिन इन पैसों से तुम भी तो पढ़ सकते हो ना। मैं पढ़ूंगा तो खुद गर्जी होगी, तुम पढ़ोगी तो तुम्हें इस घर में लाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। इसीलिए तुम पढ़ाई करो और मैं जॉब करूंगा। लेकिन आईएएस बनने का ख्वाब तुम्हारा भी तो है ना। हाँ था, तो क्या हुआ, तुम बन गई तो समझो मैं भी बन गया। अगर मैं पढ़ूंगा तो सूर्या आईएएस मेरे नाम के पीछे ही लगेगा ना। लेकिन तुम पढ़ोगी तो जानवी सूर्या आईएएस हम दोनों के नाम पर लगेगा। वैसे भी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ा रहना है मुझे। जानवी, मेरे इस ख्वाब को तुम जरूर मुकम्मल करोगी, ऐसा मैंने फैसला कर लिया है। करोगी ना? सुनो, तुम जरा इसको पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहुत बात करती हो तुम। मैं आ रहा हूँ ना। ए शिनु, मैंने जो कहा था वो रेडी है ना? रेडी है सर। लाओ दो। अरे देख के चला ना, अंधा हो गया क्या? पागलों की तरह चला रहा है। सूर्या इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मेरे लिए ये नौकरी आईएएस के तीन लफ्ज ही नहीं है, ये सूर्या का ख्वाब है जो हकीकत बनाना है। इस जन्म में हम दोनों साथ नहीं रह पाए तो क्या हुआ, सूर्या के ख्वाब को हकीकत बनाना ही मेरा मकसद है। मैं उसी के सहारे जिंदगी जी लूंगी। मैं नहीं चाहती कोई उसके दरमियान आए।
कुणाल को खत्म करने के लिए सही आदमी लेकर आया हूँ। ये कौन है? क्या है ये, मजाक कर रहे हो क्या? मुंबई के पहलवान बाली को अस्पताल से डिस्चार्ज होने में 2 महीना लगेगा और ये पिंजर के नमूने को उठा कर ले आए। हटाओ इसे, ये तो हवा में उड़ जाएगा, न जाने कहां से लेकर आ गए। अरे ये क्या कर दिया, अच्छे खासे घर को बर्बाद कर दिया। कुणाल को मारने के लिए यही सही है। एक मिनट, आपने मेरे टैलेंट का अपमान किया है, अब मैं आपके डील को कैंसिल करता हूँ। अरे फिर क्यों इतने महंगे सामान को तोड़ दिया? बीमारी और कमजोरी को नहीं छुपाना चाहिए और अपना टैलेंट जरूर दिखाना चाहिए। चलता हूँ। अरे ये कौन था जो सुनामी की तरह आया और तोड़ फोड़ कर यहाँ से चला गया? मैंने पहले ही कहा था माइक सेट वाले को 5,000 दे दीजिए, लेकिन आपने सुना ही नहीं। देख लिया, अब तो अमेरिकी बची खुची इज्जत भी डूब गई, एक ट्रक सीमेंट भी गया, मकामी गुंडे भी गए, मुंबई का बाली भी गया, और वो आया था बुर्सली, तोड़ फोड़ कर चला गया वो अलग, तकरीबन 3,00,000 का नुकसान हो गया हमारा। अरे मेरी बात पे गौर करें, उस कुणाल से पंगा लेना छोड़ दीजिए भाईजान, नहीं तो 5 के बदले हमारे 50 चाहेंगे। ये कपड़ा किसने रखा है? ये कपड़ा उस आदमी ने रखा है। बस के अंदर कोई नहीं है, खराब है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, आप गाड़ी में बैठिए। ए कुणाल, उस लड़की के मुतालिक सब कुछ जानते हुए भी उससे मोहब्बत करते हो? ये बात नहीं है चचा, जब से उस लड़की के दिल की बात का इल्म हुआ है मोहब्बत भूल गया हूँ, और उस लड़की के आईएएस की तैयारी में मैं बस मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात उसकी समझ में ही नहीं आ रही है। मदद करनी थी तो पूरी बस खाली क्यों करवाई? तो फिर मदद करनी है तो खुद कुछ मत करो, उस लड़की को जो पसंद आए तो वो क्या करो, बताइए ना। क्या ये सब आपको मजाक लग रहा है? आईएएस बनना इतना आसान है क्या? अरे अरे साहब, आप गलत मत समझिए, हमें नहीं पढ़ना है, हमारे इलाके में एक लड़की पढ़ती है उसे पढ़ाना है। तो साहब आप आईएएस बनने की काबिलियत है उस लड़की में? मैं आपको बताता हूँ जनाब, वो लड़की बेहद मेहनती है, गाना तो गजब का गाती है। अच्छा गाना गाती है? जी जनाब, बहुत अच्छा गाती है वो। यहाँ इधर कोरस में गाना गाती है जनाब, और पढ़ाई भी करती है, बहुत अच्छा गाना गाती है जनाब। बताओ ना। जी वो बहुत अच्छा गाना क्या गाती कह रहे हो? वो गाती भी है और पढ़ती भी है। आईएएस बनना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। उससे कहो गाना गाना छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। जी जनाब, नई वाली लड़की गाने वाली है जनाब। हाँ डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर ने ओके कहा है जनाब। एक मिनट जनाब, सुनो जानवी जी। जनाब कोरस गाने वाली है, इस ख्याल से घबराइएगा मत, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ वो जरूर आशा जी लता जी की ऊंचाई हासिल करेगी, उसका गाना जरूर हिट होगा। जी जनाब, मैंने सोचा था कि तुम्हें फोन करूं, मुझे माफ करना, आज के बाद स्टूडियो मत आना जनाब। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा है कि रिकॉर्डिंग में तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या जनाब? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे इलाके की है। म्यूजिक डायरेक्टर को सुर के मुतालिक इल्म है, गुंडागर्दी के मुतालिक नहीं। तुमसे गाना गवाएंगे तो हारमोनियम बजाने के लिए उंगलियां नहीं बचेंगी, ऐसा कहा है उन लोगों ने, इसलिए मना किया है। ये लीजिए बाजी, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए भाईजान ने ये भिजवाया है, और कुछ जरूरत हो तो हमें लिखवा दीजिएगा, हम आपके लिए ले आएंगे। वो क्या पागल हो गया है, ये सब करके मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मेरे दरवाजे पर कोई तख्ती लगी हुई है क्या कि मुझे मदद की जरूरत पड़ गई है? महीने का राशन भेजकर हमदर्दी जता रहा है, आइंदा अगर यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अब चलो जाओ यहाँ से। इतनी तौहीन हुई क्या, काफी नहीं है?
मेरा तो खून खोल रहा है, लेकिन वो उस लड़की के आगे इतना झुक क्यों रहा है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुणाल से इतनी मोहब्बत करती हूँ और वो उसके पीछे पड़ा है, मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझ रहा है? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मोहब्बत की जीत होगी, तुम्हारे पिलाए शराब की कसम। तुमने कसम क्यों खाई? शराब तो माँ की तरह, तुम्हें जो मदद चाहिए मैं करूँगा। मदद तो ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? उसकी तरकीब मेरे पास है, लेकिन वही करना जो मैं कहूँगा। कुणाल के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पहले कपड़े उतारो। अरे मार क्यों रही हो, कब लो पूरी बात तो सुनो। कुछ बताते वक्त बीच में रुका ना करो बेटा। सुनो बेटी, देखो तुम ये खाकी वर्दी पहन के तन के घूमती हो और मर्दों की तरह पोशाक पहनती हो। अरे अगर तुम मर्द की तरह रहोगी तो कौन मर्द तुमसे मोहब्बत करेगा, जरा बताओ मुझे। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम लड़की तो लगनी चाहिए ना। मतलब फुल पैंट शर्ट पहनना छोड़कर बच्चों के ड्रेस शॉप में जाओ, वहाँ तुम्हें छोटे छोटे खूबसूरत पोशाक मिलेंगे, फिर वो पोशाक पहनकर कुणाल के रूबरू आना, फिर देखना माइक तो क्या पूरा साउंड सर्विस तुम्हें ही दे देगा। ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसी पोशाक पहनूंगी तो तुम शादी करोगे ना? किसने कहा कि तुम ऐसे पोशाक पहनोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? वो सब जाने दो ना, एक मर्तबा आई लव यू कह दो मुझे। क्या कहा? अगर तुमसे मोहब्बत होती ना तो कब का आई लव यू बोल दिया होता। मोहब्बत होती है तो दिल से आवाज आती है, ऐसे जिस्म देख कर मोहब्बत नहीं होती। जाओ ये छोटे पोशाक पहनना छोड़कर यूनिफॉर्म पहनो, जाओ। अरे रे 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 रे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब वो तना हो तब पहनने को कहा था ना हमने, ये क्या सबको दिखा दिया, ये तो हरगिज अच्छा नहीं लग रहा है। खामोश हो, मोहब्बत क्या होती है इसका इल्म तुम्हें खुद नहीं, तुम्हारी तरकीब ही बेकार थी। अरे ये गलती हमारी नहीं है, उसने पोलियन गधे की है, उसकी वजह से हमने गलत बता दिया। अगर ओन मार्क पिलाओगे ना तो जबरदस्त तरकीब दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं यूनिफॉर्म में ही अच्छी लगती हूँ, ये कुणाल ने कहा है, उसे कैसे काबू में लाना है मुझे इल्म है। मामा, किसी को नसीहत देना बेकार है। ये लो तुम्हारी चेन, बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है। क्या माँ, जेवर गिरवी रखने का कारोबार शुरू कर दिया? अरे नहीं बेटा, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, उसे पैसों की जरूरत थी। मारवाड़ी के पास चेन गिरवी रखकर पैसे लेने जा रही थी, दवाई के पैसे मैंने दे दिया तो जबरदस्ती चेन मेरे हाथ में देकर चली गई। अगर कोई जबरदस्ती मेरे हाथ में चेन दे दे तो मैं क्या करती? अरे वो अपना गांव छोड़कर यहाँ धंधा करने के लिए आया है, उसके पेट पर लात क्यों मार रही हो? जैसे वो मारवाड़ी तो बहुत अच्छा है, बेचारी जानवी के पास नौकरी नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी, चेन गिरवी रखने उसके पास गई तो मालूम है 10% ब्याज लगाया उसने। क्या वो नेक इंसान है? बहुत ही कमीना है वो। आपने जो जेवर गिरवी रखा था चेक कर लीजिए दुरुस्त है या नहीं। लेकिन आप ये वापस क्यों कर रहे हैं? आपके पैसे तो खर्च हो गए, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे मेरी अम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कब आप अपना जेवर लीजिए, नहीं तो यहाँ कारोबार नहीं कर पाऊंगा। दिखने में तो अच्छी लड़की लगती हो, तभी मैंने पैसे दिए थे। तुम्हार कुणाल के साथ रिश्ता है, अगर ये मालूम होता तो तुम्हारा ये जेवर मैं कभी नहीं लेता। मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं तो रास्ते के लोग गलत समझने लगते हैं। ये जेवर रखिए और मुझे माफ कीजिए। कुणाल, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। किस लिए? तुम्हारी शिकायत आई है। मेरी शिकायत दर्ज करने की हिम्मत किसने की है? कोई जानवी नाम की लड़की ने की है, उसी ने शिकायत दर्ज करवाई है। मैडम, यहाँ जानवी कौन है? मैं हूँ। मैं LIC के दफ्तर से आया हूँ, सूर्या जी ने अपना इंश्योरेंस करवाया था, नॉमिनी में आपका नाम दिया था, उनके घर गया तो इल्म हुआ कि आप यहाँ रहती हैं, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। इजाजत दीजिए। ये क्या जानवी? तुम अच्छी लड़की हो, ऐसा मैं हमेशा सोचती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुणाल की शिकायत दर्ज कराई तो आपको बुरा लग रहा है, आपने कभी मेरे मुतालिक सोचा है? क्या कहूँ बेटी, दिखने में तो वो गुंडे की तरह दिखता है लेकिन हमेशा दूसरों की मदद ही करता है। हर माँ को अपना बेटा प्यारा ही लगता है, उसकी सारी हरकतें अच्छी ही लगती हैं,
लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? एक दिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने गुंडों से कह दिया कि मैं कुणाल की बीवी हूँ। अब वो सबसे कह रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी नौकरी छुड़वा दी, मारवाड़ी को पीट कर मेरे जेवर वापस करवा दिए। ये सब मैंने तो नहीं कहा था, मैं इज्जत से जी रही थी। बाजार में हाथ पकड़ के खींचा। ये देखिए सूर्या के इंश्योरेंस के पैसे, जिससे मोहब्बत की वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये कागज गवाह हैं। इन पैसों से मैं आईएएस बन सकती हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। एक लड़की के दिल को समझे बगैर उससे मोहब्बत करना, ये तो बेवकूफी है। उसका होना ना होना एक जैसा है। आगे मत बोलो, उसके मुतालिक तुम्हें इल्म ही क्या है? मेरे बेटे को गलत समझ कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सब समझते हैं कि कुणाल को मैंने पैदा किया है, लेकिन हकीकत तो ये है बेटी, जिंदगी में तन्हा जीने से तंग आकर मैं खुदकुशी करने जा रही थी। भला इस उम्र में आपको खुदकुशी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी क्या बात हो गई? मेरे बच्चे ही मेरी आफत बन गए हैं बेटा। मेरे तीन फर्जंद हैं, बचपन में ही उनके वालिद गुजर गए। उसके बाद उन्हें पालने में मैंने बहुत तकलीफ झेली। अब वो तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन अब मुझे एक निवाला खिलाना भी उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है बेटा। अब क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद भी मेरी लाश को म्युनिसिपैलिटी वाले लोगों को फोन करके लावारिस बताकर ले जाने को कहेंगे। इसी ख्याल से रोज मरती हूँ। तीन बेटों की लावारिस माँ होने की जिल्लत से बेहतर है कि मैं हकीकत में एक लावारिस की मौत मर जाऊँ बेटा। तुमने मेरी हिफाजत की हो क्योंकि आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते, इसलिए आप मायूस हैं। और मुझे पैदा करने वालों को मैंने देखा तक नहीं, इसलिए मैं मायूस हूँ। क्या आप मेरी वालिदा बनकर रहेंगी? बच्चों को गोद लेने वाले वालदैन तो देखे थे, लेकिन किसी वालिदा को गोद लेने वाला बेटा नहीं देखा था। इस वालिदा को गोद लेने वाला कुणाल है बेटी। तुम मेरे बेटे को गलत समझ रही हो, उसे समझ नहीं पाई तुम। ये क्या, जब चाहोगी कंप्लेंट दोगी और जब चाहोगी वापस ले लोगी? हमें कोई काम नहीं है क्या? जनाब आप जाकर आतंकवादी को क्यों नहीं पकड़ लेते? ए, जरा खामोश रहो, जब से आए हो बकवास कर रहे हो। रुकिए, मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। गोपाल छोड़ दो इसे, ये लो और इस पर दस्तखत कर दो। तुम्हारी माँ ने कहा इसलिए शिकायत वापस ले रही हूँ। शिकायत वापस नहीं लेती तो क्या होता? शाम तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोड़ देते और कहते जाओ अपने घर जाओ, बेकार में वक्त बर्बाद किया। अरे जाकर पढ़ाई करो ना, चलो भाई अलविदा। दोबारा मत आना, दिमाग खराब कर दिया। मोहतरमा आप जरा साहब से मिलकर जाइएगा। पुलिस स्टेशन में बिछड़े थे, फिर पुलिस स्टेशन में मिल रहा हूं तुमसे। एक महीने नहीं, दो महीने नहीं, छह महीने मुअत्तल रहा हूं। मुझे सलाम करने वाले सभी लोगों को अब मैं सलाम कर रहा हूं। हर सलामी देते वक्त मुझे किसका ख्याल आता है मालूम है? तुम्हारा। बगैर गलती की सजा पाई है मैंने। जो सजा काटी है उसका गुनाह भी तो करना पड़ेगा ना। उस रोज तो तुम बच गए, लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। डर रही हो? जब तक तुम हां नहीं कहोगी तब तक छूंगा नहीं, लेकिन तुम ना कहो ये भी नहीं चाहूंगा। जाओ। ए हरीश। जनाब ये सीता देवी हैं,
जरा इनका ख्याल रखना। अगर ये सीता देवी है तो राम आप है क्या? हा? मैं राम नहीं रावण हूं। मालूम था अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम जरूर कुछ गलत ही करोगी। यहां से बचकर कहां जाओगी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्या है कि आईएएस करने के बाद तुम्हें यहीं आना पड़ेगा और उसकी खबर तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन इम्तिहान दिए बगैर तुम वापस नहीं आ सकती। मुझे इसका इल्म है। इम्तिहान से कब्ल के एक दिन का वक्त दे रहा हूं। फिर से कहता हूं तुम्हारे हां कहे बगैर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी ना भी मैं सुनना नहीं चाहूंगा। क्या बात है, मजा आई। ये कहां चल गया? आए आए। शहर के सारे हनुमान जी को पकड़ कर ले आए हैं जनाब। जनाब मैं सबको लेकर आया हूँ। राम अग्नि युद्ध का नाटक है क्या? मैं भी अच्छे एक्टिंग करता हूँ, करके दिखाऊं क्या? मैंने पूछा क्या? तो फिर गाना गाऊं क्या? राम क्या करूं आप ही बताइए जनाब। मारूं क्या? कमाल कर रहे हैं जनाब। अगर आपको मारूंगा तो पुलिस को मारने के जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल देंगे। जितना कह रहा हूं उतना कर। क्या बे, तू मुझे मार रहा है और मुझे लग भी नहीं रही है। अच्छी तरह से मार जनाब। नाटक में ऐसे ही मारा जाता है और आवाज पीछे से आती है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ असली आवाज आनी चाहिए। मार। मार। दुष्ट कहीं का, मूर्ख कहीं के, देखो अब मेरी मार। गाली क्यों दे रहा है? हाँ सर, मारते समय इमोशनल हो गया था इसीलिए गाली निकल गई, सॉरी। ठीक है ठीक है। जय दुष्ट रावण, माँ सीता की इज्जत पे हाथ डालने की तुम्हारी ये मजाल। ये क्या जनाब, आपने मारने के लिए कहा था, अब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मुकालमा नहीं बोलना, मारने के लिए कहा है, जा। इनमें से कोई नहीं है, इन्होंने नहीं मारा। हमने नहीं मारा आपको? अभी तो हम सब ने मिलकर मारा है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारा तो है, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने नहीं मारा। ये क्या, इनमें से किसी ने साहब को नहीं मारा? उससे नहीं छोड़ूंगा, उससे पकड़ कर ले आऊंगा। मैं जानता हूँ वो कौन है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो हनुमान के हुलिये में कुणाल था, ये उस लड़की को बहुत परेशान कर रहा था, मैंने ही कुणाल को इतला करके इसे फंसा दिया। हाँ सर ठीक है, भिजवाता हूँ। हाँ
क्या भाई, यहाँ इम्पोर्टेड एम्पलीफायर की कोई नई दुकान खुली है क्या? अच्छा, अलविदा, बाय। आप ऊपर जाइए, ऊपर से राइट मुड़ जाइए, वहां से पांचवी दुकान, हाँ वहीं पर है ना। ठीक है, शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहा था ना मेरा पीछा मत करना, समझ में नहीं आता? पुलिस में शिकायत की फिर भी नहीं सुधरे। वो बात नहीं है, मैं तो यहाँ। अब तुम कहोगे मेरी मदद के लिए आए थे, यही कहोगे ना? देखो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, भगवान के लिए मुझे तनहा छोड़ दो। अगर हकीकत में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। कुणाल भाई, ये लड़की आपसे ऐसे क्यों बात करती है? तो मुझे देखकर प्यार करेगी क्या? चल अपना काम करते हैं। जनाब, इन सारे मुखौटों को गली गली घूमकर मैं ही लेकर के आया हूं। चुप। इनमें से कोई नहीं है। अरे नहीं भाई, आप तो बहुत अजीम हैं। अरे मैं तो बचपन से ही अजीम हूँ, इसमें नई बात क्या है? भैया जरा वहाँ देखिए, हमारे इलाके में बाहर का आदमी आया है, चल के हम उसके सामने बैठते हैं। अरे कमाल है भाई, आप कुणाल के लेफ्ट हैं, टॉप हैं, बॉटम हैं, राइट हैं, लेफ्ट हैं, तो चलो फिर चलिए ना, आइए। अरे ये लीजिए। इसका क्या करूं मैं? अरे उसकी नकल मारी है। ऐसे एक चाय देना। अबे वो चाय वाले, हॉर्लिक्स स्ट्रॉन्ग भाई के लिए, आपके लिए ही, आपके लिए। चाय कैंसिल। अरे मेरा चेहरा सिया हो गया, वो उठकर चला गया। बाप रे, ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, बाप रे कमर टूट गई। चाय पिलाने का अंदाज बढ़िया था। बहुत खूब, बहुत खूब। कल इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयारी कर रही हो, बहुत खूब। घर के सब लोग घर से बाहर गए हैं, उन्होंने ही इंतजाम किया है। तुम्हें तो उन सबकी आदत नहीं है ना, लेकिन मुझे है। जाकर पानी लेकर आओ और अपने हाथ से पैक बनाओ, नशा चढ़ जाएगा। जाओ जाओ। तुम इतनी आसानी से। हे, कौन है तू? हाँ कुणाल। ओ, इस इलाके में गुंडागर्दी तुम ही करते हो? मैं गुंडागर्दी नहीं करता जनाब, बराए मेहरबानी जाइए यहाँ से। तो क्या मैं करता हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ जनाब, आप जाइए यहाँ से। नहीं 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 नहीं, बता जरा, तूने मुझे गुंडा कहा ना? मैंने नहीं कहा जनाब, बराए मेहरबानी यहाँ से जाइए। पुलिस वाले को गुंडा कहा? तुझे पुलिस के मार का इल्म है ना, अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है। कोई बात नहीं जनाब, आप जाइए यहाँ से। देख ली ना कुणाल की मार, अब तो अच्छी तरह से समझ गए ना, या अभी भी नहीं समझे? हाँ
अगर कभी दोबारा ऐसा किया ना तो फाड़ कर रख दूंगा। क्या कुणाल, स्वामी ब्रह्मोत्सव के समय तुम लाइटिंग करने आते थे, इतने दिन के बाद अचानक? कुछ नहीं पंडित जी, आज मेरे पहचान की एक लड़की कलेक्टर का इम्तिहान दे रही है, इसलिए उस लड़की के नाम पर पूजा करवाने के लिए आया हूं। बहुत अच्छी बात है। सुनिए पंडित जी, दो चार मंत्र ज्यादा पढ़कर लड़की के पास होने की प्रार्थना कीजिएगा। क्या कर रहे हैं? चलो इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। बराए मेहरबानी जाने दीजिए। जनाब जाने दीजिए ना। मैडम 10 मिनट, मैडम इंस्पेक्टर साहब से मिल लीजिए फिर चले जाइएगा। मुझे जाने दीजिए, मुझे देरी हो रही है, मेरा इम्तिहान है आज। समझ में नहीं आ रहा क्या? इज्जत से बोल रहा हूँ, तुम मान नहीं रही है। चल चल छोड़ दीजिए, चल साहब ने बुलाया है, चल छोड़ दीजिए, चल। जाने दो कुणाल। Oh, my God.
ये क्या बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। हाँ कुणाल, तुम्हारे सिवा कौन है हमारा? तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है वो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ चाचा, उस लड़की का हमारे अलावा और कौन है? तो क्या उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे? जाने दीजिए ना चाचा, मेरे लिए कौन सी नई बात है, कई लोगों के लिए लफड़ा किया है। इस लड़की की पढ़ाई का सवाल था, छोटा सा तो जख्म है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की तुम्हें अभी तक नहीं समझी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। LIC का पूरा पैसा तुम्हारी वजह से ही उसे मिला है, ये बात जानते हुए भी वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कुणाल? मैं उसे दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ चाचा। भगवान के मंदिरों में लोग लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही दान कर देते हैं। पैसे डालने वाले चोर हैं, सेठ हैं या मेरी तरह दीवाने हैं, इसका इल्म किसी को नहीं है। इतने सारे लोग पूरे भक्ति भाव से हमेशा भगवान को कुछ ना कुछ दान देते ही रहते हैं। मैंने भी एक बेसहारा लड़की की छुपकर मदद करनी चाहिए है चाचा। जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे, बस वो लड़की महफूज रहे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आपका इम्तिहान तो अच्छा हुआ ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी बस। सामने वाले ने हमला किया, मेरे पेट में लग गया। खतरे की बात नहीं है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है ना। अब तक अपनी ताकत दिखा ली, अब पुलिस की ताकत देखेगा वो। कुणाल, साउंड सर्विस के नाम पर तुम गांजा सर्विस कर रहे हो? ए, देखो जरा गांजा कहां छुपा रखा है, सब लोग तलाशो। देख रहा है ना तू, 100-100 रुपए में किराए पर माइक देने वाले को इतनी गर्मी है तो सोच खाकी वर्दी पहनने वाले को कितनी गर्मी होगी। हाँ जनाब, इसमें है। गांजा के मामले में जमानत नहीं मिलती, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब तुझे कौन बचाएगा? गांजा है, गांजा है कहकर यहां तक तो आ गए और फटाक से अपना हाथ ग्रीस में डाल दिए। अब यही अपनी शक्ल पर लगा लो, बहुत अच्छे लगोगे। खाकी वर्दी पहनकर 100-200 की भीख मांगने वाले, जब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है तो मेहनत करके कमाने वाले मेरे अंदर कितना दिमाग होगा? अब तुम्हारा बोया गांजा तुम्हें ही फंसाएगा। ए, 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 क्या बोल रहा है? आवाज कम करो, देखो। ये क्या, गांजे का धंधा करने के लिए तुम्हें खाकी वर्दी मिली है? नहीं 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 जनाब, तुम्हारे घर से गांजा मैंने खुद बरामद किया है। चलो जीप में बैठो। लेकिन जनाब, गांजा का मामला है, जमानत भी नहीं मिल पाएगी, जिंदगी भर सड़ना पड़ेगा। जाओ जाओ।
मुबारक हो जानवी। शुक्रिया जनाब। आपकी वजह से हमारे सूबे को पहली बार इतनी बड़ी नाजिश हासिल हुई है। हमारे मुल्क में बहुत सारे काबिल लोग हैं, पर सही वक्त पे उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। कुणाल जी ने आपकी मदद की, आप बहुत नसीब वाली हैं। तुम्हारे लिए कुणाल जी ने जो मेहनत की है उसे जाया मत होने देना। वो वाकई बेहद नेकदिल इंसान है। बेस्ट ऑफ लक, कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। क्यों बेटी, कुणाल को तलाश रही हो? तुम्हारी कामयाबी की खुशी में जश्न मना रहा है, सबको मिठाइयाँ बांट रहा है। इसी खुशी में शायद वो भंडारा करने के लिए मंदिर गया है, वहीं होगा। जानवी, अच्छी हो ना बेटी? आप लोग कैसे हैं? हम बेहद खुश हैं बेटी। दरअसल मैं आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाने ही वाली थी। कुणाल की वालिदा ने हमें सब कुछ बता दिया बेटी, हम उनके घर से ही तशरीफ ला रहे हैं। हाँ बेटी, जब से तुमने कुणाल के हमारे मुतालिक बताया, उस दिन से लेकर आज तक उसने हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी। भगवान ने हमारा बेटा तो छीन लिया, लेकिन कुणाल हमारा बेटा बनकर आया है जानवी। तुम्हारा ख्वाब मुकम्मल करने के लिए कुणाल ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। वो अगर तुम्हारा शोहर बनेगा तो तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे लिए उसने जो तकलीफें उठाई हैं, उसके लिए तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम बेहद खुश रहोगी बेटी। तुम IAS पास हो गई, इसका इल्म होते ही उसे तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है बेटी। बेटी, तुम्हें वो पसंद है ना? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ बेटी। जल्दी से पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालवा दीजिए, मैं तो बेहद खुश हूँ। आपकी पहचान में कोई पंडित है तो बुलवा लीजिए। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, जानवी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी है। हकीकत में? हाँ बेटा, अभी हम लोग जानवी से बात करके आए हैं, वो शादी के लिए राजी है। अरे 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 अरे, देखो तो कितना शर्मा रहा है। मुबारक हो, तुम्हें दिल से मोहब्बत की है, उसी दिल से दुआ है कि तुम शादी करके 100 साल खुशहाल रहो। मेरी मोहब्बत कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ? तुम्हारी मोहब्बत तो कामयाब होनी चाहिए। मैं तुम्हें बदिया दूंगी ये मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी? मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी एक पुरानी आदत है, जो सामने है उसके साथ एडजस्ट हो जाओ। कोई ना कोई तो मेरी किस्मत में होगा ही। मुमकिन है पुलिस महकमे में ही कोई हो। ग्रेट, अब तो कलेक्टर तुम्हारी बीवी बनेगी। बेस्ट ऑफ लक। मुझे इजाजत दो। अरे भाई, सब कुछ जरा तवज्जो से रखना, ठीक है? आइए आइए, आप शादी में आई, आपका खुशामदीद। अरे अरे अरे, इधर आओ। ए, कितनी देर से मरम्मत कर रहे हो? ऐसे लाइटिंग होती है क्या? चलो उतरो, अपनी दुकान का नाम खराब करके रख दोगे। चलो जाओ। आइए आइए, आप शादी में आए, हमें बेहद खुशी हुई। हमारी बीवी का हाथ क्यों पकड़े हो? छोड़ो छोड़ो, तुम चलो रे, चलो चलो भाई। लाइट ठीक से लगाना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। सुनो, गांव में सबकी शादी में तुम मंडप सजाते हो, अपनी शादी में सजाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम जाकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तो कबले ही तैयार हूँ यार। अरे वो कोई आम लड़की नहीं है, कलेक्टर है, जाकर दाढ़ी बनवाओ, जाओ। अरे अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उतार दूं क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। चुप रहो मामा, कुणाल को नजर ना लगे इसलिए तो तुम्हें हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन आज वाकई में कुछ कमी है। जरा इधर मुड़ो, जरा इस जानिब।
क्या कमी है? कलम कहाँ मिलेगा? ये क्या करने वाले हो? आप ठीक है, जबरदस्त एकदम। इस हुलिये में जानवी जब तुम्हें देखेगी ना तो सोचेगी कलेक्टर बेबी को कलेक्टर भैया मिला है। अरे मदर, तुम यहाँ हो? मैंने पूरा मंडप तलाश लिया, बहुत काम पड़ा है, आओ चलो 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 चलो। शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को आप जल्दी मंडप में बुलाइए। शादी के लिए कार तैयार है ना? अरे तुम लोग क्या कर रही हो, जल्दी करो जल्दी, चलो जल्दी। सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस हाथ से मंगलसूत्र बांधना था उस हाथ से तख्ती लगा रहा हूं इसीलिए क्या? देखने वाले को तो ये तख्ती आम नजर आएगी, लेकिन इसमें तुमसे मोहब्बत करने वाला सूर्या अभी भी जिंदा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। कलेक्टर से शादी कर रहा हूं ना तो एक दर्जा बरकरार रखना चाहिए, इसलिए लोगों ने मुझे सूट बूट पहना दिया। मुझे अच्छे पोशाक में देख कर कह रहे थे कि तुम देख कर बहुत ही खुश होगी, इसलिए ये पोशाक पहनकर मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया था। ऐसा जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर तुम मेरी मदद के बदले में शादी कर रही हो तो मैं ये चाहूंगा कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। मोहब्बत अलग चीज है और कर्ज चुकाना अलग चीज होती है। मैंने तुम्हारी मदद की है बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये कारोबार हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ सब कुछ। अरे हमारे दुल्हे राजा कुणाल को क्या हो गया? वो इस हुलिये में क्यों है? दुल्हन को ले जाने आया होगा। वो हम सब कर लेंगे, तुम जाके तैयार हो जाओ। जाओ तुम, चलो यार। अरे जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाएंगे। ये क्या क्या कुणाल, यहाँ तो तुम्हारा नाम होना चाहिए था। गलती से सूर्या का नाम लिख दिया क्या? गलती से नहीं लिखा है, सूर्या की जगह आप उस तख्ती पर मेरा नाम लिखना चाहते थे, लेकिन जानवी के दिल में क्या है ये पूछना भूल गए। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब लड़की की मर्जी से ही तो हो रहा है। शादी करने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन ये नहीं पूछा कि क्या वो दिल से राजी है। अरे बेटा, मेरे बेटे के नाम से जो तख्ती बनी है उसे लेकर अब क्यों नाराज हो रहे हो? बच्चे को पैदा करने वाली वालिदा अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? और जिसे उसने पैदा किया है वो अपनी वालिदा को भूल सकता है क्या? जैसा वो रिश्ता है वैसा ही ये भी रिश्ता है। तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद तुमने वो सारा फर्ज अदा किया है, तो जानवी का शौहर बनने में गलत क्या है? किसी को बेटा मानने के लिए पसंद होना जरूरी नहीं है और ना ही वजह की जरूरत होती है, लेकिन शौहर मानने के लिए वजह चाहे हो या ना हो मोहब्बत होना जरूरी होता है। बेटा, उस लड़की से तुम्हें कितनी मोहब्बत है इसका इल्म सभी को है, उससे शादी की बात सुनके तुम कितने खुश हुए इसका इल्म भी सबको है। दिल में इतनी मोहब्बत के बावजूद आखिर ये सब क्यों कर रहे हो बेटा? देखिए चाचा जी, कोयल का अंडा अगर कौवे के पास रहे तो क्या उससे निकलने वाला बच्चा कौवे का ही हो जाएगा? मैंने मदद इसलिए नहीं की कि उसके बदले मुझे कुछ चाहिए था, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मान कर की थी। जानवी को जबरदस्ती हासिल करना पागलपन नहीं तो आखिर और क्या है? देखो, तुम मेरे पेट से पैदा नहीं हुए फिर भी मुझे तुम्हारे दिल की बात का इल्म है। तुम मुझे दिल से अपनी वालिदा समझते हो, जन्म देने वाली वालिदा की तरह मुझसे प्यार करते हो, तो कोई दूसरी बात किए बगैर इस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनो। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगा। चलो बेटी। एक मिनट माँ। अब क्या हुआ? उस तख्ती से सूर्या का नाम हटा दीजिए और कुणाल का नाम डाल दीजिए, तभी मैं इसे मंगलसूत्र पहनाऊंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो सूर्या आईएस मेरे नाम के पीछे ही लगेगा ना, लेकिन तुम पढ़ोगी तो जानवी सूर्या आईएस हम दोनों के नाम पर लगेगा। आ, 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 आ,
क्या सोच रही हो बेटी? तुमने अपने बारे में क्या फैसला लिया है? बोलो बेटी। नहीं माँ, उससे जबरदस्ती मत करो। लेकिन आम को हटाने के लिए इनकार कर दिया है तो जरा सोचो कि वो अपने दिल से सूर्या को कैसे निकाल पाएगी। एक दूसरे से समझौता करके साथ रहने से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। तुम खुश रहो हमेशा। जी, गुड मॉर्निंग। अरे तुम हो? दफ्तर जा रही थी, सोचा आपसे मिलकर जाऊं। अलविदा। हाँ, ठीक है। हर रोज कुणाल जिसकी शक्ल देखकर उठना चाहता था, अब हर रोज उसी की शक्ल देखकर उठता है जिसे उसने अपने दिल में बसा रखा है। एक दिन वही उसकी जिंदगी में आ जाए, हम यही आशीर्वाद देते हैं।